कांग्रेस के संपर्क में आए तीन दिग्गज बीजेपी के नेता, भाजपाइयों में भारी दहशत। आपको बताते चले, 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी सरगर्मी तेज हो रही है। यूं तो लोकसभा चुनाव का संकनाद बीजेपी की ओर से 7 जनवरी 2023 को ही हो गया था, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा आए थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रिंस राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड से होकर गुजरने वाली है और इसे कांग्रेस की तरफ से झारखंड के लिए लोकसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। ये यात्रा राज्य के 13 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसकी कुल दूरी 804 किलोमीटर लंबी होगी। चुनाव में उतरने के लिए उम्मीदवारों ने दिल्ली में लॉबिंग शुरू कर दी है। जिनका टिकट कन्फर्म है वो तो राहत की सांस ले रहे, लेकिन वैसे दिग्गज नेता जो कई बार सांसद रह चुके और अब चुनावी रेस से बाहर है, वे अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे, फिर मैदान में उतरने की जुगाड़ में लगे हैं। खासकर बीजेपी की तरफ से पार्टी से दरकिनार किए गए नेता, ये ऐसे नेता है जो कई बार सांसदी का लुत्फ उठा चुके और ऐसे में अब ये कांग्रेस के संपर्क में है, जिसमें से पहले नंबर पर आते हैं बीजेपी के रविंद्र कुमार, जो कि आपको बता दें 5 बार गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने 16वीं लोकसभा चुनाव में जेएमएम के जगन्नाथ महतो को 40,313 मतों से हराया था। 2014 में उन्होंने गिरिडीह से 5वें कार्यकाल के लिए सीट बरकरार रखी थी। अब आपको बता दें कि कांग्रेस के संपर्क में ये हैं और कांग्रेस में आना चाहते हैं। इसी के साथ साथ कांग्रेस के पुख्ता सूत्रों का कहना है कि वे पार्टी के संपर्क में हैं और आगे क्या होगा ये अभी राजनीति के गर्भ में है। इसी के साथ एक और नेता आते हैं, राम टहल चौधरी, जो कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत उनकी 1967 मुखिया से हुई है, तो जिसके बाद विधायक से लोकसभा सदस्य का सफर तय किया और अब वो भी कांग्रेस में आना चाहते हैं। और इसके बाद जयंत सिन्हा, जो कि हजारीबाग से 2 बार सांसद बने हैं, वो भी अब कांग्रेस के संपर्क में आने चाहते हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि ऐसे में अपने राजनीतिक जीवन को बचाए रखने के लिए वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। वैसे राजनीति में कुछ कहना और वैसा हो जाने में काफी फर्क होता है, आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर क्या होने वाला है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।